स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूँ शिल्पा रावत। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ सुबह के बुलेटिन की कर रहे हैं और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बुलाई गई महापंचायत पर रोक की मांग की गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने सीजीआई को एक पत्र भेजा है, याचिका एक भेजी गई है। प्रोफेसर अपूर्वानंद और लेखक अशोक वाजपेयी ने सीजीआई को एक पत्र भेजा है और ये आपको बता दें आज कोर्ट से इस पर जल्द सुनवाई की मांग की जा सकती है। 15 जून को महापंचायत बुलाई गई है तो कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है प्रोफेसर अपूर्णानंद और लेखक अशोक वाजपेयी की तरफ से। सीजीआई को बाकायदा का याची पत्र भेजा गया है। ड्यू के प्रोफेसर ने ये पत्र याचिका जो है वो फिलहाल भेजा है और ये जो पूरा मसला है पुरौला का 15 जून को जिसमें महापंचायत होनी है उसको लेकर ये कहा गया है इस महापंचायत पर रोक लगनी चाहिए। हालांकि आपको बता दें इस पूरे मसले को लेकर मामला काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। कुछ इस तरीके के पोस्टर भी लगे जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं और ये पोस्टर हालांकि अभी हटा दिया गया है, लेकिन महापंचायत हिंदुवादी संगठनों की तरफ से बुलाई गई है जिसको लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। ओबीसी की तरफ से भी कहा गया है कि इस पंचायत को रोकना चाहिए जल्द से जल्द और ये भी जानकारी दी गई है, ये भी ओबीसी की तरफ से कहा गया है कि विशेष समुदाय के लोगों को सुरक्षा दी जानी चाहिए। पुरौला का मामला 26 मई से शुरू हुआ था जब एक नाबालिग लड़की का अपहरण जो है करने की कोशिश विशेष समुदाय के कुछ लोगों के द्वारा की गई थी, जिसके बाद से काफी ज्यादा हो हंगामा यहां पर देखने को मिल रहा है और अब महापंचायत बुलाई गई है जिसको रोकने की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है महापंचायत को रोका जाए, 15 तारीख को महापंचायत बुलाई गई है।